दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे और आपके YouTube चैनल टेक हीरो हिंदी में। तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे आप पेटीएम से यानी आप मोबाइल फोन से कैसे गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अभी काफ़ी जगहों पे बहुत ऐसे लोग हैं जो गैस सिलेंडर बुक करने के लिए भी परेशान रहते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी परेशान रहते हैं कि कैसे करें। लेकिन दोस्तों सबसे आसान तरीका है पेटीएम पेमेंट बैंक या पेटीएम वॉलेट। आपके मोबाइल में पेटीएम ऐप तो जरूर होगा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेटीएम से आप ऑनलाइन गैस कैसे बुक करें। बहुत लोग ऐसे भी परेशान है जो अपना गैस का कंज्यूमर नंबर निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आपको आसान तरीका आज हम बताएंगे कि बस अपना जो रजिस्टर नंबर होगा आपका, यानी कि आपका एलपीजी गैस में जो रजिस्टर नंबर है, किसी भी कंपनियों का गैस आपके पास गैस सिलेंडर है तो बस रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको डालना है। और रजिस्टर मोबाइल नंबर डालते ही आपका नाम, एड्रेस और आपका कंज्यूमर नंबर है वो सामने आ जाएगा और आसानी से आप ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और फटाक से जो ऑनलाइन पेमेंट होता है सबसे पहले इनको डिलीवर किया जाता है सिलेंडर। आपको बता दूं कि अगर ऑफलाइन अगर आप कॉलिंग के माध्यम से बुक करते हैं सिलेंडर तो आपको सिलेंडर 3 से 7 दिनों का समय लगता है। अगर आप मोबाइल यानी कि ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 24 घंटा से लेकर के 72 घंटा में आपको सिलेंडर दे दिया जाता है। लेकिन जितना बार मैंने ऑनलाइन सिलेंडर बुक किया हूँ हमें 24 घंटा में सिलेंडर डिलीवर हो गया हमारे होम पे। तो आइए मोबाइल स्क्रीन पर लाइव आपको हम बता रहे हैं कैसे आप 1 सेकेंड के अंदर में आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे इसका रिसिप्ट भी आपको कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने गैलरी में ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट वाली वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको पेटीएम मोबाइल ऐप में आ जाना है। मोबाइल ऐप में जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन आने के बाद आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ CL का एक ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ CL का एक ऑप्शन आ रहा है, तो CL पे क्लिक कर देना है। CL पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपको सर्विस का एक लाइनिंग मिल रहा है कि कौन सा सर्विस में आप जाना चाहेंगे, तो आपको आ जाना है रिचार्ज एंड बिल बिल पे में, ठीक है। तो यहाँ रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ रिचार्ज एंड पे बिल है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है सिलेंडर ऑनलाइन बुक करने के लिए और पेमेंट। तो यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बुक ए सिलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, सिलेंडर बुक करने का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको करना क्या है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा साइड में पे गैस बिल, यानी अगर आपने बुक कर दिया है और पेमेंट नहीं किया है तो ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा बगल में है कि टिक लगा हुआ है जो बुक ए सिलेंडर, यानी कि इसके माध्यम से आप ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे तो बुक भी हो जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है सेलेक्ट योर गैस प्रोवाइडर, यानी कौन सा कंपनी का है, तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन आ रहा है, भारत गैस, ASP गैस, इंडियन गैस। तो चलिए हमारा इंडियन कनेक्शन है तो इंडियन पे हम क्लिक कर दिए। उससे इंडियन पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे आ रहा है सिलेक्ट बुकिंग टाइप वॉल्यूम, तो आपको उस पर वॉल्यूम सिलेक्ट बुकिंग टाइप पे क्लिक करना है, यानी आप किस टाइप से बुकिंग करना चाहते हैं, कंज्यूमर नंबर के माध्यम से, LPG ID के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो चलिए आसानी होगा मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो चलिए मोबाइल नंबर पर हम क्लिक कर दिए। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आया होगा यहाँ मोबाइल नंबर डालने का, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ से डाल दीजिएगा। तो मेरा जो मोबाइल नंबर वो मैं ना यहाँ से टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो चलिए प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन हमें दिख रहा है यू हैव एन एक्सिस्टिंग ऑर्डर, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो है पहले से ही, यानी आप देख सकते हैं डिलीवरी द एग्जिटिंग ऑर्डर कंप्लीट, यानी कि तो चलिए हम गो इट पे क्लिक कर देते हैं, यानी इस नंबर से हम अभी अभी गैस सिलेंडर बुक किए हैं थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी हम 2 मिनट पहले सिलेंडर बुक किया हुआ, अभी 4 फरवरी 2021 यहाँ लिखा भी आ रहा है हमारा मोबाइल नंबर। अब बुक अगेन का ऑप्शन है तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हालांकि अभी हम बुक कर लिए हैं सिलेंडर तो बुक अगेन नहीं होगा क्योंकि मैंने सिलेंडर बुक कर लिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि जैसे मोबाइल नंबर वहाँ डाल के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आपका नाम और आपका एजेंसी नाम, यानी कि आपका गैस सिलेंडर पूरा डिटेल शो कर जाएगा। उसके बाद आपको
प्रोसीड पे फिर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप पेटीएम वॉलेट पे, अगर आपको पैसा है या पेटीएम अकाउंट, तो आप पेटीएम से पैसा पे आउट कर सकते हैं। अगर आपको पेटीएम पे पैसा नहीं है, तो आप यूपीआई यानी नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है यहाँ से सिलेंडर बुक करना, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन गैस बिल पे करें, फोन पे के माध्यम से, और ये पेटीएम के माध्यम से मैंने बता रहा हूँ। बहुत ही आसान है, आप भी इस तरह से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मैंने अभी गैस सिलेंडर बुक कर लिया हूँ, इसलिए आगे का प्रोसेस हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बुक कर लिया हूँ अभी अभी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉमेंट करें।